बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि रांची विलासिता का केंद्र बन गई है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि मुख्यमंत्री भी इससे सीधे जुड़े हुए हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा सीएम हेमंत सोरेन को अपना पक्ष रखने के लिए निर्धारित तिथि बढ़ाए जाने पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। जगहों पर ईडी की कार्रवाई हुई, उससे लिंक जुड़ते हुए आईएएस अधिकारी से लेकर कहां कहां तक पहुंची, कहां कौन दलाल इससे जुड़ा हुआ है, तमाम चीजों पर बारीक नजर रखने वाले बीजेपी के गुड्डा सांसद निशिकांत जी हैं। अमित अग्रवाल के ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन मेरे ऊपर और मेरे पत्नी के ऊपर जो है 32 केस इस सरकार ने उसके बाद ताबड़तोड़ जो है ला दी। अब ईडी की जांच शुरू हुई, मनरेगा से शुरू हुई, वो मुझे लगता है कि माइनिंग तक पहुंच गया है। और अमित अग्रवाल, विनोद सिंह, इस तरह के जो लोग, प्रेम प्रकाश जैसे लोग, जो दलाल एक्टिव थे, विशाल चौधरी जैसे लोग, वो सभी अभी ईडी के रडार पर है। और मुझे लगता है कि इसका समाधान ये निकलिए सारे डीएमओ डीटीओ, क्योंकि भ्रष्टाचार के आधार पर ही ट्रांसफर पोस्टिंग होती है ना, आईएएस आईपीएस। हम उसके तह में नहीं जाना चाहते। मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ कि एक जो दलाली का मैंने एक ट्वीट किया था कि नवाब बाजिद अली शाह का जमाना था, लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था, तो रांची जो है वो विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। और विलासिता में खलल यह आ गया कि ये माननीय मोदी जी की सरकार है, ना खाएंगे ना खाने देंगे, भ्रष्टाचारियों के ऊपर नो टॉलरेंस की नीति है, और ये सभी सलाखों के पीछे होंगे। चुनाव 6000 से जीता, दूसरा 60000 से, दूसरा 2 लाख से, तो यही नेटवर्क होगा ना, ये जनता के साथ मेरा रिलेशन होगा ना, व्यक्तिगत संबंध होंगे ना। आप जैसे लोग होंगे जो पहले चैनल के पहले जो है मुझे ही बताने का प्रयास करते हैं कि पहले ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर चैनल में जा रहा है, तो बता दिया ना। ईडी ने नोटिस दिया है अमित अग्रवाल को, कोई विनोद सिंह है, मैं विनोद सिंह का नाम पहली बार सुन रहा हूँ, और प्रेम प्रकाश के परिवार को जो है ईडी ने बुलाया है। इसके आगे विशाल चौधरी का जो है आज पूरा फॉरेंसिक से सारा कुछ निकल गया है, वो दस्तावेज कम से कम नहीं भी कुछ तो समझिए कि 10,000 पन्नों का है, इसका ईडी अध्ययन कर रही है। होना चाहती है इलेक्शन कमीशन कोई पार्टी नहीं होना चाहती, वो संवैधानिक संस्था है, हमें उनके ऊपर भरोसा है। उन्होंने कुछ सोच समझकर 14 जून किया होगा, अच्छा ही किया, क्योंकि 10 जून को चुनाव है। हम चाहते हैं कि किसी दबाव में जो है हेमंत सोरेन अपनी पत्नी का टिकट नहीं काट पाए। और अभी ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर कई लोग आने वाले हैं। कैमरामैन कौशल के साथ राजेश कुमार, न्यूज 11 भारत, हजारीबाग। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।